दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी राशि वालों से हमारे कमेंट बॉक्स में अक्सर कमेंट आते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, अपने जीवन काल में हम परेशानियों को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, आखिर हमारी परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल के उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं जो कि आपके मन में लगातार चलते हैं कि आखिर आपकी परेशानियां क्यों ख़त्म नहीं हो रही है। इस दुनिया में, इस अंतरिक्ष में जितनी भी 12 राशियां हैं उनमें सिर्फ सबसे ज़्यादा राशि आपका ही परेशान है, आपको ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो आखिर इनकी वजह क्या है, इनका कारण क्या है जिनकी वजह से आपको लगातार समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक समस्या चल जाए तो दोबारा नई परेशानी खड़ी हो जाती है। और कब आपकी किस्मत चमकेगी, कब आपकी भावनाओं की कदर होगी और कब आपके धोखे देने वालों को सजा मिलेगा, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से हमारा बस यही निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों आप यह बात समझ पाएंगे कि आपकी जीवन काल की परेशानियाँ क्या हैं, किस वजह से परेशानियाँ आती हैं। शायद दोस्तों आपको इसमें हम ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें करने से धीरे धीरे आपकी जीवन काल की जो भी परेशानियाँ हैं वह समाप्त हो जाएंगी। जी दोस्तों, और इन सभी की जानकारी आपको प्राप्त होगी तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके लाभ भाव के स्वामी भगवान शनिदेव होते हैं और आपके वृद्धि भाव की माता लक्ष्मी। जी दोस्तों, ये आपके माता पिता हैं और आप इनके सेवक होते हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में कभी कभी न्याय करते करते इमोशनली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ऐसा आपके जीवन में अक्सर देखा गया है। इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस उम्र में आपकी किस्मत खुलेगा, आपकी किस्मत का ताला आखिर कब खुलेगा, आपको सफलता कब मिलेगी। दोस्तों अगर लाइफ में संघर्ष हो तो किस्मत बदलने में वक्त लग जाता है, समय लग जाता है। जीवन में संघर्ष कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ताकि अपनी लाइफ में आप ही कुछ बन सकें, अपना करियर बना सकें। दूसरी तरफ दोस्तों ज्योतिष में यह कहा गया है कि आपकी जो राशि है वह काफ़ी ही किस्मत वाली राशि होती है और सबसे शक्तिशाली भी राशि होती है। आपको बता दें कि दोस्तों इस ब्रह्मांड में आपकी एक ऐसी लौती राशि है जो कि सभी राशियों में राज करती है और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि भी होती है। हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबकी ज़िंदगी में दुख आती है, यह बात अलग होता है कि किसी को खुशी ज़्यादा मिलती है तो किसी को गम कम मिलते हैं, और कभी कभी किसी को गम ज़्यादा मिलते हैं तो खुशी कम मिलती है। दोस्तों ये जो चीज़ है ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपके जीवन काल में भी अधिक संघर्ष है, बहुत ही अधिक तकलीफों से आप जूझ रहे हैं। तो दोस्तों आप भगवान शनिदेव के कुछ उपाय को करके अपने जीवन को सफल अवश्य बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सुबह उठकर भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अर्पित कर दें तथा प्रसाद के रूप में आप इन्हें ग्रहण कर लें। फिर दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि आपको लाइफ में जो संघर्ष आप देख रहे हैं दोस्तों वह धीरे धीरे कम होता जाएगा और जीवन काल में आपको सफलता की नई किरण दिखेगी। दोस्तों एक बार ऐसा करके आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव के कुछ उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जब दोस्तों इन्हें आप ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों मैं आप बात भी जानते हैं कि यश में आपको घुटन सी महसूस हो रही है, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप अपनी पुराने यादों में खुद को खो चुके हैं, जिंदगी से आप बहुत ही ज़्यादा नाखुश भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में परेशानियों को पार करने के बाद यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो दोस्तों ये जो बुरा समय है यह भी गुजर ही जाएगा। जी दोस्तों, हम मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ है, पर जब तक
गलत का आप सामना नहीं करोगे तो दोस्तों सही का पहचान आपको कैसी होगी। इतनी सारी परेशानियां आपको दुख देने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों आपको सीख देने के लिए आती है। दोस्तों ये जो सारे दुख हैं, जो सारी परेशानियां जो आपके जीवन काल में आते हैं दोस्तों, ये आपको कुछ बनने के लिए कहते हैं। जी दोस्तों, कई लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा हार मान जाते हैं। दोस्तों कुछ तो ऐसे होते हैं कि वह पूरी तरह टूट जाते हैं, जैसे मानो जीने का कोई मकसद ही नहीं है, सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों आप कई बार सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और किसी एक इंसान को अपनी जिंदगी में मजा बना लेते हैं और दोस्तों तब आपकी जीवन खतरे में आ जाती है। क्यों दोस्तों, जिस इंसान के लिए आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं वही इंसान किसी और चीज के लिए आपको छोड़ कर चला जाता है। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनकी नज़रों में, उस इंसान की नज़रों में अपने इमेज को गिरा रखे हैं। और दोस्तों जब आप खुद अपने आप का वैल्यू नहीं करेंगे तो दोस्तों दूसरा व्यक्ति कैसे आपका वैल्यू करेगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका मन जिस काम में है आपको वही काम करना चाहिए। सिर्फ दोस्तों आप वही करें जो आपको दिल कहता है। दोस्तों दुनिया क्या कहती है इन बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में जो आपके अंदर की टैलेंट है उसे अब दुनिया के सामने लेकर आएं, उसे बाहर निकालने की आप अवश्य कोशिश करें, मेहनत करें, फिर आप देखेंगे कि जो कल आपका सपना था वह हकीकत में सच हो गया है और वह सब कुछ आपको मिल गया है। जी दोस्तों, दोस्तों आपकी राशि के साथ ऐसा अक्सर देखा गया है कि आप जिस काम में हाथ डालते हैं वह काम बनते बनते बिगड़ जाता है। दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं और अगर आपका काम पूरा नहीं हो पाता तो दोस्तों ऐसे में आप एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। जी दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप काम की शुरुआत करें, काम की शुरुआत करने जाएं तो दोस्तों आप उस दिन सुबह स्नान करने से पहले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल दें और स्नान करें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और आप स्वयं देखेंगे कि आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वह काम आपका बन जाएगा। इसके साथ दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो दोस्तों दायां पांव घर से बाहर रखें और जब भी घर से अंदर आएं तो दोस्तों अपने बाएं पैर को अंदर रखें। जब दोस्तों इससे क्या होगा, दोस्तों ये उपाय करने के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप जिस काम के लिए जाएंगे वह काम आपका ज़रूर पूरा होगा, ज़रूर ही बन जाएगा। दोस्तों आप इस उपाय को आजमाइए। कई लोगों ने दोस्तों इस उपाय को आजमाया है और हमें कमेंट में लिखा है कि इस उपाय को करने से हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है, इसलिए दोस्तों आप भी इस उपाय को ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही अपने जीवन में थोड़ी सी सावधानियाँ भी आपको अब रखना चाहिए। जी दोस्तों, जो लोग आपके साथ छोड़ दिए हैं, जो लोग आपको पिछले समय धोखे दे दिए हैं दोस्तों, उनसे दोबारा रिश्ता अब आपको नहीं बनाना है। शायद दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों जो लोग आपका पूरा चाहते हैं दोस्तों आप उन लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए, क्यों दोस्तों अब आपका सोचने का वक्त आ गया है, अब आपको एक्शन लेने का वक्त आ गया है। जी दोस्तों उन लोगों के साथ रिश्ता अभी छोड़ दीजिए, उन लोगों के साथ रिश्ता नाता अभी तोड़ दीजिए। जी दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो वक्त पर आपका साथ नहीं देते और आपने उनका हमेशा साथ दिया होता है, दोस्तों बुरे वक्त में आप उनके साथ खड़े रहे हैं लेकिन जब आपकी बारी आती है, मुश्किल समय में जब आप उनको याद करते हैं तो दोस्तों आप क्या पाते हैं कि वह व्यक्ति आपसे नज़रें चुराने लगता है और कहीं और चला जाता है। दोस्तों ऐसे में आपको बुरा लगता है तो दोस्तों अब आपको इन सभी बातों पर गौर करने का भी वक्त आ गया है। मुँह में राम बगल में छुरी वाले लोगों से अब आपको बचना होगा। चाहे दोस्तों ये आपके कोई अपना रिश्तेदार हो, कितना भी करीबी हो, दोस्तों इनसे आपको बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना है। जी दोस्तों, दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो उन्हें भी इस बात की एहसास होगी कि यह इंसान हमारे बगैर भी रह सकता है। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोगों के दिल में अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, आप उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ऐसे लोग घमंड करने लगते हैं
इन बातों को थोड़ा सा आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखें। तो दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि आखिर आपकी राशि वालों की किस्मत किस उम्र में खुलती है, आखिर आपको सफलता कब मिलती है। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इन सब बातों को जानकर मेहनत ही करना छोड़ दें कि आपको सफलता तो अवश्य मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, भाग के भरोसे बैठते हैं कि भगवान हमारे घर में कुछ पैसा फेंक दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कर्मों की गति से रफ्तार से आपको आगे बढ़ना होगा। हर कार्य को आपको सोच समझ कर करना होगा और दोस्तों वही काम करना होगा जिनमें आपका इंटरेस्ट होता है। जी दोस्तों, जो आप कर सकते हैं दुनिया की परवाह ना करें। दोस्तों हम आपको फिर दोबारा वही बात कहते हैं कि किसी बात की आप परवाह बिल्कुल ना करें, सिर्फ वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप सफल हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27, 32 और 57 साल की उम्र में इन राशि वाले लोगों को मकान का लाभ ज़रूर मिल जाता है। और दोस्तों यह लोग विवाह के बाद खूब संपत्ति भी कमाते हैं, यह संपत्ति खरीद भी लेते हैं। विवाह के बाद इनको अधिक संपत्ति का लाभ मिलता है। और दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवनकाल में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपको यश में एक ऐसे उपाय करना चाहिए जिनसे संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो जाए। या दोस्तों आपको हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। और दोस्तों आप पीपल के पेड़ के नीचे जब भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वश में अपनी मनोकामनाएं वश में जरूर बोलें। इसे दोस्तों आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इस राशि के जो लोग होते हैं आकाश में धन लाभ 19, 22, 28 और 48 वर्ष की उम्र में प्राप्त होती है। दोस्तों ऐसे उम्र में आप सभी को आकस्मिक धन लाभ जरूर ही प्राप्त होते हैं। जी दोस्तों, चाहे यह धन लाभ आपको किसी महिला की तरफ से प्राप्त हो या फिर किसी पुरुष के पक्ष से आपको प्राप्त हो, लेकिन यह आकस्मिक धन लाभ आपको जरूर ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि उम्र होने के बाद भी आपको अभी तक अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको तरक्की नहीं मिल रहा है, धन लाभ नहीं हो पा रहा है, आपकी उम्र गुजर रही है और आपको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग हर सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें। दोस्तों अपने जल में थोड़ी सी मिश्री आप अवश्य मिला लें और भगवान सूर्य को सच्चे दिल से अर्पित करें। मन में ही अपनी मनोकामनाओं को कहें जो आपके अंदर है, भगवान सूर्यदेव को यह कहते हुए जल चढ़ा दें। दोस्तों आपके जीवनकाल में जो भी ग्रह है वह मजबूत होंगे, आपके साथ होने वाली जो भी खर्चे हैं वह कम करेंगे। और इसके साथ दोस्तों आपको एक उपाय हम बता दें कि अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो दोस्तों गुरुवार के दिन आप केले का दान करें। दोस्तों हमेशा दो या चार, दोस्तों ध्यान रखें कि एक दो केला आप बिल्कुल भी दान ना करें। दोस्तों हमेशा दो चार छः केले का ही आप दान करें, जिससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और दोस्तों धन प्राप्त भी इनसे होता है। इसके साथ दोस्तों मंगलवार के दिन आप अपनी आँखों में काजल लगा सकते हैं, इसे दोस्तों आपको अपनी नौकरी और व्यवसाय में लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी नहीं मिल रही है तो दोस्तों ऐसा करने के बाद जल्द ही आपको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। अगर नौकरी आपकी पहले से ही चल रही है और उनमें पदोन्नति नहीं मिल रही है तो ऐसा करने से आपको पदोन्नति भी अवश्य मिलेगी। साथ ही एक साथ व्यवसाय में आपको अच्छी खबर भी और धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो दोस्तों आप आज से ही अपने जीवनकाल में इन उपाय को करें। और साथ दोस्तों और इसी जानकारी के लिए आप चैनल को और साथ दोस्तों और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।